नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप दैनिक सवेरा फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं, साथ साथ इस वक्त आप हमें हलचल टीवी पर भी देख रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद इतना विस्तार से हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए, चाहे वो छोटे करदाता हों या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो किस तरह से डील करें। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं बीके विरदी साहब, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स। इनसे हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास सवालों का काफ़ी रेंज यहाँ है कि जो एक छोटे करदाता हैं उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है, ये सवाल हम सबसे पहले पूछते हैं, उसके बाद हम बड़े करदाताओं पर आएंगे। विरदी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं दैनिक सवेरा टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि जीएसटी एक नया टैक्स प्रणाली लागू हुई है, इसके बारे में जितनी जानकारी दी जाए उतनी ही कम है, तो इसके बारे में दैनिक सवेरा ने एक पहल करी है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक छोटे करदाताओं की बात करते हुए, जीएसटी में इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा गया है। जैसे वैट में पहले जिसकी 5 लाख से ऊपर की टर्नओवर होती थी उनकी रजिस्ट्रेशन करते थे हम जी, लेकिन जीएसटी में हमने जो थ्रेशोल्ड लिमिट पंजाब के लिए करी है वो 20 लाख रुपए तक करी है। जिसकी 20 लाख से कम टर्नओवर है उनको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे ऊपर जैसे 20 लाख से 75 लाख की जिसकी टर्नओवर है उसको भी प्रॉपर जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे कॉम्पोजिशन स्कीम में भी आ सकता है। और उस केस में उसको सिंपल 1% टैक्स या 5% टैक्स या 2% टैक्स ही देना पड़ता है और उसको ITC उस केस में नहीं मिलता। तो इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि छोटे करदाताओं को जीएसटी में काफ़ी ध्यान रखा गया है ताकि उनको ये जो किताबों का लेन देन का हिसाब किताब रखना उसमें से काफ़ी हद तक छूट मिल जाए। विरदी साहब, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि जो आपका डिपार्टमेंट है वो किस तरह से मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद लोग कुछ पतला रास्ता भी खोजेंगे। डेफिनेटली जिनकी आदत है वो जरूर करेंगे, लेकिन राइट नो हमारे डिपार्टमेंट का यही काम है कि जो छोटी मोटी लोगों को दिक्कतें आती हैं इसके लागू होने में उसको हम सॉर्टेड करें, जो किसी भी तरह की उनकी क्वेरीज है उसको एड्रेस कर रहे हैं। हमारा सबसे इस वक्त सबसे पहला जो हमारा काम वो यही है कि लोगों को जीएसटी के लिए तैयार करें, और इसमें यदि कोई इशू उनको आता है उसको हम ऑफिस में बैठ के या उनकी बातें सुन के हम उसको सेटल करते हैं, और जो भी उनकी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम सुनते हैं, और जीएसटी रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरी है उसका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग इसके बारे में ये है कि कोई पतला रास्ता अडॉप्ट करने की बात हो सकता है, कुछ परसेंट लोग हैं जी जी, लेकिन उसके बारे में डिपार्टमेंट भी एक्टिव है और हमारे दिमाग में वो चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे हम उसको। विरदी साहब, एक बहुत बड़ी समस्या इसमें होती है आमतौर पर पहले भी जीएसटी से पहले भी कि अंडर इन्वॉइसिंग की बहुत बड़ी समस्या इसमें आती है, तो उसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, उसको हम किस तरह से रेगुलेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो जीएसटी का पर्पस इसको डिफीट कर सकता है। जीएसटी एक्ट में हमने वैल्यू सप्लाई वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो मटेरियल की वैल्यू मार्केट में प्रिवेलेंट कर रही है उसी रेट पे वो माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, उसको चेक करने के लिए हमारे जीएसटी एक्ट में ही प्रोविजन डाली हुई है। ठीक है, ये ज्यादातर उन केसेस में देखने को मिलेगा हमें कि जैसे दो कंसर्न अपनी लोगों ने बना के अपनी एक कंसर्न को जब माल बेचेंगे तो किसी कम रेट पे बेचेंगे, दूसरे को बेचेंगे तो किसी जो मार्केट रेट के हिसाब से बेचेंगे, तो उस केस में हमारा जो एक्ट की प्रोविजन है उसको हम लागू कर सकते हैं कि यदि मार्केट में आप दूसरे लोगों को एक पर्टिकुलर रेट पे माल बेच रहे हो जी, तो अपनी जो इंडिविजुअल कंसर्न है जो आपकी सिस्टर कंसर्न है उसको आप कम रेट पे माल बेच रहे हो या अपने आप को ही माल कम रेट पे बेच रहे हो, तो उस केस में जो ये प्रिंसिपल लागू हो जाएगा उस केस में हम इसमें जीएसटी में उस प्रावधान किया गया कि उसको हम चेक कर सकें जी। विरदी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है या इंटर सिटी, मान लेते हैं कि जलंधर से लुधियाना, लुधियाना से अमृतसर, तो इसको किस तरह से चेक रखेंगे, इसमें क्या सिस्टम इस तरह से इवॉल्व हो चुका है या होने के प्रोसेस में, क्या इसमें मैकेनिज्म क्या रहेगा हमारा? देखिए, जीएसटी काउंसिल में जीएसटी एक्ट की जब हम बात कर रहे थे तब उसमें एक ई वे बिल का प्रावधान रखा हुआ है कि जो 50,000 से ज़्यादा की टर्नओवर बिल है उसकी यदि मूवमेंट होएगी तो उसको पहले थ्रू पोर्टल पे उसको डालना पड़ेगा, लेकिन वो ई वे बिल की अभी प्रोविजन को इन्होंने लागू नहीं करा, उसके लिए कुछ टाइम दिया हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें जैसे पंजाब में अभी जीएसटी लागू हो गया लेकिन हमारे बैरियर अभी चल रहे हैं,
तो तब तक उस पर वहाँ ये रिकॉर्डिंग होती रही, लेकिन जो विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन होती है उसको तो ऑन द रोड ही चेक कर सकते हैं कि जब मटेरियल जा रहा है उसमें बिल लागू है, उसके साथ बिल है कि नहीं है, वो तो हाँ फिजिकल जब गुड्स को इन ट्रांजिट चेक करते हैं तभी देखा जा सकता है। ये एक बड़ी समस्या, लेकिन एक और समस्या आती, पहले हमने कहे थे कि अंडर इन्वॉइसिंग की बात आती है, दूसरा एक होता है कि जो लोग ओवर बिलिंग कर रहे हैं उसको आप डील कैसे करेंगे, क्योंकि ओवर बिलिंग की समस्या पहले भी आती रही है। ओवर बिलिंग की आप कोई इशू होना नहीं है, रीज़न है कि पहले तो होता था कि ओवर बिलिंग करके आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा लेते थे जब एक्सपोर्ट करते थे, और कॉन्सिक्वेंटली जो लोकल परचेज करी है उस पर जो टैक्स का उसका जो इनपुट पे ज़्यादा इनपुट लेकर उसको आप रिफंड के केस में उसका बेनिफिट लेते थे। अभी GST में जो एक्चुअल एक्सपोर्टर उसी को इसका बेनिफिट मिलना, जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर उस केस में उनको रिफंड का प्रोविज़न नहीं है, उसने भी अपना टैक्स जमा करवा के ही अपना एक्सपोर्ट करना है, तो इसलिए ओवर इन्वॉइसिंग के हमें नहीं लग रहा कि GST में ओवर इन्वॉइसिंग का कुछ ज्यादा इशू आएगा। अच्छा, एक सवाल आम उपभोक्ताओं के हिसाब से हम पूछ लेते हैं कि जो GST जो है इसमें क्या छोटे जो उपभोक्ता है उसके ऊपर सारा बोझ पड़ेगा, या जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है उनके ऊपर भी पड़ेगा? नहीं, ऐसा है, जो GST एक्ट है जो इसका मेन प्रिंसिपल है, इट्स जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जहां अल्टीमेटली गुड्स ने कंज्यूम होना है, यूटिलाइज होना, वहां मतलब उस स्टेट को टैक्स आएगा। सो उपभोक्ता के ऊपर इफेक्ट की बात करें तो क्योंकि पहले GST से पहले टैक्स ऑन टैक्स उसका जिसको हम कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस बोलते हैं, GST में वो सारा खत्म हो जाएगा बाय एंड लार्ज, तो इसका उपभोक्ताओं को बाय एंड लार्ज फायदा होगा, एक्सेप्ट के जो नई चीजें जिसपे टैक्स लगा, पहले टैक्स फ्री थी उस पर टैक्स लगा, उस केस में थोड़ा सा वैल्यू बढ़ सकती, अदरवाइज बाय एंड लार्ज बाकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी। अच्छा, इसमें क्या GST लगने के बाद जब हम एक शहर से दूसरे शहर में ले जाते माल तो क्या चुंगी पूरी तरह से खत्म हो गया है या खत्म हो जाएगा? चुंगी तो देखो पंजाब में पहले ही ख़त्म हो रखा है, सिर्फ हमारे जो कैंटोनमेंट बोर्ड से जलंधर और फिरोजपुर था तो सिर्फ वही थे, वो भी उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना इदारा था, पंजाब ने तो अपने तौर पे चुंगी खत्म करी हुई थी। जो हरियाणा से पंजाब आप आते हैं या दिल्ली से जब आप हरियाणा एंटर करते हैं तो इस तरह की चुंगी की व्यवस्था मतलब स्टेट के एंट्री पॉइंट पे तो होता ही है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं, हमारा पहले हम एडवांस टैक्स लेते थे क्योंकि अब GST लग गया, तो जिन आइटम्स पे GST लगा उन आइटम पे हम एडवांस टैक्स नहीं लेंगे, तो बैरियर पे सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं आइटम की। अच्छा, मतलब वहाँ पे नहीं करना पड़ता इस तरह का? नहीं, अभी जो GST लग गया तो उस केस में हम उस पे GST एडवांस टैक्स नहीं ले रहे। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल के हिसाब से देख लेते हैं कि GST लगने के बाद जो एम्प्लॉइज हैं उनका कर का जो लायबिलिटी है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या इसमें कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, उससे बिल्कुल अलग इसको रखा हुआ है? एम्प्लॉई पे तो GST नहीं लग रहा जी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनको उनके ऊपर कोई GST नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि आप हमारे कर एम्प्लॉयज की बातों की बात करें कि उन्होंने काम क्या करना, उनकी ड्यूटीज की बात कर रहे हैं कि अदरवाइज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई जो टैक्स पे करते हैं उनके ऊपर तो कोई देनदारी नहीं, उनके तो वैसे भी नहीं, जो उनकी अपनी इनकम होती है उस पर तो डायरेक्ट टैक्स लगता है, उस पर इनकम टैक्स लगता है, तो वो तो लगता रहेगा। ठीक है। अच्छा, रियल एस्टेट की बात करें, अगर जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है जी पूरे देश भर में, तो क्या GST के आने के बाद से इसमें कुछ बूस्ट मिलेगा ऐसा लगता है, या जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? नहीं, मुझे लगता है इसमें बूस्ट मिलना चाहिए क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसको सर्विस ट्रीट कर लिया गया। पहले होता था उसमें जो गुड्स लगती थी उस पर भी टैक्स लगता था, जो उसमें लेबर लगती थी और जो सब्सिडी लेते उस पर सर्विस टैक्स लगता था, तो जो सर्विस टैक्स लगाते थे तो गुड्स का उनको सेटअप नहीं मिलता था, जो गुड्स लगाते उनको सर्विस का सेटअप नहीं मिलता था। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या डेवलपर के तौर पे उन्होंने इस सभी एक्टिविटी को एक सर्विस ट्रीट कर लिया गया, इसलिए जो इनपुट पे वो टैक्स दे के आया, चाहे सर्विस टैक्स दे के आया का कॉम्पोनेंट हो चाहे गुड्स का कॉम्पोनेंट हो, उस पर जो टैक्स लग के आएगा उसका उसको ITC मिल जाएगा, तो इससे मुझे लगता है कि ये जो रियल स्टेट को बूस्ट मिलने के चांसेस है। अच्छा, इसमें कुछ जानकारी की बात हम लेते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए हर माह जो रिटर्न भरने की तारीख होगी वो क्या होगी, कुछ इसमें डेट इस तरह का तय किया गया क्या?
ऐसा नहीं है जी कि जिनको तो 20 लाख तक की टर्नओवर है उनके लिए तो जीएसटी नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनकी टर्नओवर 20 लाख से 75 लाख है जो कंपोजिशन कैटेगरी में आते हैं उन केस में उनको सिर्फ 3 महीने में एक रिटर्न देनी पड़ेगी। बाकी जो जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया है अदरवाइज उनको हर महीने रिटर्न देनी पड़ेगी और रिटर्न के साथ टैक्स देना पड़ेगा। तो आई थिंक जो छोटे व्यापारी उनके लिए राधर साल की 4 रिटर्न ही करिए, बाकियों के लिए 12 है। लेकिन कुछ वैसे दुकानदार, जब हम सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, अगर कोई मान लेते हैं कोई दुकानदार है वो बिल देने से मना करे, तो उस हालत में क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? हाँ, ऐसे कोई इशू हमारे नोटिस में आते तो वो हमारे लिए केस स्टडी बन जाता कि उसमें हम उसका जाके इंस्पेक्शन सर्च और सीजर में डाल सकते हैं। लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी तभी, अदरवाइज हमारे जो जीएसटी की उसकी रिटर्न की कंप्लाइंस के बेस पे उसका उसने कोई गलती करी है कि नहीं उसके बेस पे भी हम जो सर्च और सीजर और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लोगों के लिए जानकारी की बात कि जिनको जीएसटी अभी तक समझ में नहीं आई है, जीएसटी जो बिल है, चाहे वो छोटे उपभोक्ता हों, छोटे करदाता हों, छोटे उद्योगपति हों, क्या उनके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम इस तरह से आप लोग खड़ा कर रहे हैं, कुछ हेल्पलाइन कि अगर कुछ जानकारी उनके पास नहीं है तो आप आपसे सीधा कॉन्टैक्ट करें? हाँ बिल्कुल जी, ये राधर मैं सोचता हूँ जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है और ये इस वक्त नीड ऑफ द आर भी है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा हमने डिपार्टमेंट में हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, हमने अलग अलग अपने नोडल ऑफिसर्स बना दिए हैं जो ETO इंस्पेक्टर और इवन ATCs के लेवल पे काम चल रहा है और वो हमारे जो ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स में बैठते हैं, लोगों के टेलीफोन सुनते हैं, उनकी क्वेरीज को एड्रेस करते हैं, उनका जो मसला होता है उसको सुन के उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। यदि उनके लेवल पे नहीं होता तो कुछ एक ऐसे, जब मैं ऑफिस में बैठता मेरे पास भी रोज 15-20 लोग आते हैं जो नीचे से उनकी क्वेरी का अनावरण नहीं होता तो मेरे पास आके लेते हैं उसका जवाब। तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। इसके अलावा हमारे हेड ऑफिस में भी हेल्पलाइन चल रही है। वैसे भी इसके बारे में बताऊँ तो CBEC के लेवल पर GST इनके FNQOs इतने पड़े हुए लोगों की जो क्वेश्चन जो उनके माइंड में है सारे के सारे क्वेश्चन उसमें है और उसका समाधान भी उसी में है। फिर भी यदि मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों को अपील करता हूं, यदि किसी को इसके बारे में कोई जानकारी लेनी कुछ इशू है या कुछ ईमेल तो हमारा डिपार्टमेंट के जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे ऑफिसर्स हैं तो वहां जाके उनके जो मोबाइल नंबर हमारे डिस्प्लेड हैं तो वहां जाके आप इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं और अपनी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं BK वर्दी साहब, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स, और इस वक्त हलचल TV पे और जो अपना फेसबुक पेज है दैनिक सवेरा के फेसबुक पेज पे लोग लगातार जुड़े हुए हैं, लोग सवाल भी पूछ सकते हैं फेसबुक के जरिए। जो भी लोग जुड़े हुए हैं चाहे वो हिंदुस्तान में हों या हिंदुस्तान से बाहर हों, वो इस वक्त हमें फेसबुक के जरिए देख पा रहे हैं, तो हम सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। एक बहुत बड़ा सवाल ये हम उठा रहे हैं कि GST इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है स्टेट टैक्स, ये देखते हैं डिप्टी कमिश्नर है, तो इनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे कर को, कर जो चोरी है, क्योंकि कर चोरी आज से नहीं, ये चाणक्य के टाइम से जब उन्होंने किताब लिखा था अर्थशास्त्र जब, तो उस समय से ये चल रहा है कि कर चोरी तो रुकने वाली है नहीं, तो उसके ऊपर कैसे आप नकेल कसेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात तो ठीक करी है सिंह साहब आपने, बट मैं ये समझता हूँ कि 95% 99% जो टैक्स पेयर्स है बाय एंड लार्ज वो ठीक ही होते हैं और जो एक्ट को मानते हैं। कुछ के परसेंट लोग होते हैं जो इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं जी, और उनके बारे में डिपार्टमेंट भी आगाह रहता है, उनकी एक्टिविटी को वॉच करता रहता है। ठीक है, जैसे GST की बात करें तो अभी जो नई आइटमें लगी जिनके ऊपर GST लगा, जो पहले टैक्स फ्री थी, लाइक फर्टिलाइजर है और शुगर है या कपड़ा है, इन केसेस में ये चांस हो सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपना जो स्टॉक है पहली 30 तारीख तक उसकी बिलिंग करके निकालने की कोशिश करी हो सकती है या अभी भी करते हो, उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह सजग है और विजिलेंट अबाउट इट। हमारी जो फील्ड एजेंसी है जहाँ हमारे मोबाइल बिंग है वो इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। हम वैसे भी इन आइटमों के बारे में सभी लोगों से लास्ट इशूड बिल जो है उसकी डिटेल ले रहे हैं। मैं आपके TV के माध्यम से यही अपील करूँगा कि इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इसमें जीएसटी में पेनल्टी प्रोविजन बहुत हार्श हैं, तो खुदा ना खास्ता उस तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। एक वृद्धि साहब फेसबुक पे भी कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे जी। एक मुकुल सेठ है, उन्होंने लिखा व्हाई द जीएसटी हैज नॉट बीन अप्लाइड ओवर पेट्रोल एंड डीजल, इसके पीछे क्या तर्क होता है इसमें? अगर स्टेट का बजट देखें या सेंटर का देखें तो इसमें क्या, इसको बाहर क्यों रखा गया, क्या वजह इसकी हो सकती है? इसकी वजह के बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में बता सकता, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में डिसाइड करा है। अभी कई आइटमें हैं जिसमें हम करें, डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है और एटीएफ है, इनको हमने जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। तो मे बी गवर्नमेंट के मन में माइंड में जो बात हो कि इसकी को जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस है वो काफ़ी वेरिएट करती है और आम पब्लिक के लिए जो रोज़ की ज़रूरत है, मे बी दैट इन माइंड, बट मेरे हिसाब से मैं इसके बारे में सीधा जवाब नहीं देने की पोजीशन में। अच्छा, एक सवाल फिर ये बेहद लाजमी है, क्योंकि पंजाब एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे वो जलंधर हो, या आपका अमृतसर हो, या पड़ोसी राज्य आप देखते हैं पानीपत में भी अच्छा खासा काम चलता है, इंटर स्टेट काफ़ी एक्सचेंज होता है, माल का काफ़ी एक्सचेंज होता है, तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए आपके पास मैकेनिज्म क्या है इस तरह का इन पोजिशन राइट नाउ? इंटर स्टेट के लिए जैसे मैंने बोला कि अभी तो हमारे पंजाब में तो बैरियर लगे हुए हैं, पंजाब की बात करें तो अभी हमारे फिजिकल बैरियर्स आते हैं, तो उसमें ट्रांजेक्शन होके वहीं से गुजर के जानी है। वैसे भी जीएसटी में ये डिसाइड करा हुआ है, जो अभी आई थिंक कितने महीनों में उसको लागू करते हैं, उसमें मैंने पहले भी बोला था ई वे बिल का प्रोविज़न है को 50,000 से ज़्यादा की टर्न ओवर की कोई ट्रांजेक्शन यदि जाती है तो उसको रोड पे भेजने से पहले ई वे बिल काटना पड़ेगा, और ई वे बिल हमारे पोर्टल पे जाके काटना पड़ेगा, एक तरह से हमारी ऑनलाइन बिली का वो हिस्सा हो जाएगा। यदि हम रास्ते में कोई गाड़ी को चेक करेंगे तो उसमें ई वे बिल ना हुआ तो हम यही कंसीडर करेंगे कि इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को जो कैप्चर करने की ऑलरेडी हमारी वो कोशिश चल रही है। ये काफ़ी इन्होंने बहुत ही साफगोई से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ इन्होंने बताया कि जो स्थिति है, स्थिति बिल्कुल साफ है, जीएसटी बिल्कुल साफ एक आईने की तरह दिख रहा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत होती है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इस तरह का प्रोविज़न है कि वहाँ जाके अधिकारियों से मिल सकते हैं। चंडीगढ़ में भी आप जाएंगे, वहाँ भी जो हेडक्वार्टर स्टेट हेडक्वार्टर, वहाँ भी आपको जानकारी मिलेगी। इस तरह के जो हेल्पलाइंस हैं वो भी सरकार की तरफ से इशू किए गए हैं, ईमेल के जरिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राहकों के पक्ष में है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पक्ष में है। जैसे आप खाने पीने के सामान में देखें, दूध और घी एक बहुत बड़ा सामान है, क्योंकि पंजाब में तो खाने पीने वाला स्टेट है, तो ये बताइए कि जो घी खरीदेंगे, खरीदने के लिए जाएंगे, या दूध आप खरीदते, दूध तो था फ्री है, हाँ दूध फ्री है, घी का क्या स्थिति है? मैं आपको मोटे तौर पे बता दूंगा, जो जीएसटी में हिंदुस्तान में रेट ऑफ टैक्स की बात करें, क्योंकि इसकी बड़ी काफ़ी लंबी डिटेल है, 855 पेज का है वो, जो एचएसएन कोड के रिलेटेड हो बात करें, हिंदुस्तान में जो टैक्स स्ट्रक्चर जो जीएसटी रिलेटेड करा गया वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल करा गया है। जो तो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जैसे आप आटा दालें लगा लो जो, या मोटा अनाज लगा लो, उसको टैक्स फ्री, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड गुड्स है वो टैक्स फ्री करी हुई है। जो आम लोगों के यूज़ करने की ज़रूरतें उसको 5% में रखा गया, जो जहाँ 5% उसको रखा गया, जहाँ जो रखा गया हमारा रॉ मटेरियल उसको 5% और 12% में रखा गया। ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि जो टैक्स है एलपीजी पे वो 5% है जी, अब मिल्क पे 0 है, जैसा कि आपने कहा पहले से कि मिल्क पे 0 है, खाने पीने के सामान को तकरीबन बाहर रखा गया, एलईडी पे जो टैक्स है वो 12% है, जो टैक्स का इसमें जीएसटी में स्लैब बनाया गया जी। तो उस हिसाब से इंडिविजुअल्स पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं है। रिफाइंड सुगर आप देखें, इस पे 28%, इसकी क्या वजह हो सकती है, मतलब इतना ज्यादा टैक्स, 28 इज द हाईएस्ट बार। रिफाइंड शुगर पे मुझे इसके बारे में, मैं मेरे हिसाब से शुगर पे रेट ऑफ टैक्स कम है, रिफाइंड शुगर जो अच्छी क्वालिटी की शुगर होती है, अच्छी क्वालिटी के, फिर इसीलिए ना स्ट्रेचा ऑफ जो हमारा मतलब समाज का स्ट्रेचा जो उसके हिसाब से, दोज हु कैन पे मोर दे शुड पे मोर टैक्स आल्सो, तो मैं उसी के बात कर रहा था, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर वो इस तरह से बनाया हुआ है कि हमारी 80% जो आइटम्स है वो लेस देन 18% रेट ऑफ टैक्स पे करी हुई है। जो 28% रेट ऑफ टैक्स हमने या तो सीनियर गुड्स को करा हुआ है या लग्जरियस आइटम को करा, जैसे आपने रिफाइंड शुगर की बात हो, इट्स एक तरह से लग्जरियस आइटम बन जाता है। एलईडी पे 12%, चलिए 12% बहुत ज्यादा टैक्स नहीं है, वैसे एलईडी से बहुत बचत होने वाली, सरकार तो प्रमोट कर रही है, इसीलिए इसको यहां प्रमोट भी कर रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल।
तो ये जो आप देख रहे हैं फेसबुक के जरिए हमें लाइव देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब में हो, पंजाब से बाहर हो, दुनिया में कहीं भी हो, ये बिल्कुल साफ़ है जीएसटी लागू होने के बाद से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, जो वर्दी साहब जैसे अधिकारी हैं जो लगातार चौकन्ने हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कर चोरी को किस तरह से रोकें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इंटर स्टेट जब ट्रांसपोर्ट होता है उस पर भी कर चोरी की संभावना होती है, अंडर इन्वॉइसिंग होती है उसमें भी होती है, बहुत सारे लोग ओवर बिलिंग करते हैं तो उसमें भी होती है। तो सबके लिए क्या एक संदेश आप देना चाहते हैं कि मतलब इसको कैसे सक्सेस बनाए, सक्सेसफुल कैसे बनाए इसको? बिल्कुल जी, मैं आपके टीवी के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि अभी जीएसटी तो आ गया, अभी हमें ये सोचना चाहिए कि अभी हमने करना क्या है जी। तो सबसे पहले तो जो बिल जो काटे जाने हैं उसका इनवॉइस किस तरह से होना चाहिए इनको पता होना चाहिए। वैसे वो पब्लिक डोमेन में पिछले 15-20 दिन से पहले ही आ गया था, तो अपनी बिल बुकिंग छपवाएं, उसी हिसाब से जो जीएसटी नंबर है उस हिसाब से अपना जीएसटी नंबर लें, जीएसटी नंबर को उस पर प्रिंट करने के बाद बिलिंग अपनी उसी हिसाब से करें। सबसे पहली बात तो ये करने की जरूरत, उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेरी आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनका अपने पास स्टॉक पड़ा हुआ उस पर यदि टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी, और उनको चाहिए कि उसके स्टॉक की अपनी सारी डिटेल नोट करें और डिपार्टमेंट को ट्रांस वन फॉर्म में अपने स्टॉक की डिटेल दें ताकि उनके जो लगा हुआ टैक्स उसका उन्हें ITC मिल जाए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया वर्दी साहब, आपने इतनी कीमती जानकारी दी लोगों के लिए, चाहे वो पंजाब में बैठे हैं, पंजाब से बाहर इन्होंने जो जानकारी दी उसका आप उपयोग कर सकते हैं, ये बहुत ही अहम जानकारी है। जो भी लोग हमारे फेसबुक पेज के जरिए, उसके अलावा जो मोबाइल ऐप है हमारा दैनिक सवेरा का, 11 लाख के आसपास में जो मोबाइल ऐप जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है पूरी दुनिया में, वो लगातार इस अपडेट के साथ में, लाइव अपडेट के साथ बने हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी जानकारी ली होगी वर्दी साहब का जो पूरी की पूरी इन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा हलचल टेलीविजन पे भी आप देख सकते हैं पूरे उत्तरी भारत में, पंजाब हरियाणा हिमाचल में लगातार ये जो ब्रॉडकास्ट है इस वक्त ये चल रहा है, तो ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। इनके पास हम फिर वापस लौटेंगे क्योंकि अभी ये तीसरा ही दिन है, आगे इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, काफ़ी मुश्किलें भी आएंगी, तो हमें वर्दी साहब की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको हम इनवाइट करेंगे दोबारा, आप आके हमारे जो भी दर्शक हैं उनको आप फिर से दोबारा बताइए कि किस तरह से हम इससे निपटे, क्योंकि काफ़ी मुश्किलें भी इसमें आने वाली हैं क्योंकि अभी ये शुरुआती फेज है। तो आप हमारे साथ बने हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जो भी दर्शक हमारे फेसबुक पेज पर या मोबाइल ऐप के जरिए या हलचल टीवी पे हमें देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने हुए थे इस ब्रॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।